नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड हैव फन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सीरीज सर्किट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दिखाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में कैसे बिहेव करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट का यूज़ किया है, जिसका वोल्टेज 230 वोल्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एक्सपेरिमेंट को बिना किसी एडल्ट सुपरविजन के कॉपी बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही से आपको बिजली का झटका लग सकता है। हमने एक 100 वॉट का बिजली का बल्ब लिया है। इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट है। इस बल्ब को एक 2-पिन प्लग से जोड़ा है और प्लग को एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये 100 वॉट का बल्ब रोशनी देता है। ध्यान दीजिए कि एक 100 वॉट का बल्ब कितनी तेज रोशनी दे रहा है। चलिए अब एक मल्टीमीटर की हेल्प से बल्ब को कितना वोल्टेज और करंट मिला है इसको मेजर करते हैं। वोल्टेज नापने के लिए मल्टीमीटर को हमें बल्ब से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। मल्टीमीटर में वोल्टेज की रीडिंग 232 वोल्ट है। अब मल्टीमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले एम्पियर मोड में सेलेक्ट करना पड़ेगा और बल्ब से सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। मल्टीमीटर से करंट की रीडिंग 0.435 एम्पियर है। ओम्स लॉ का यूज करके हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि 535 ओम्स है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बल्ब जब स्विच ऑफ होता है, यानी कि रोशनी नहीं दे रहा होता है, तब उसका रेजिस्टेंस केवल 40 ओम्स होता है। बल्ब को ऑन करते ही फिलामेंट का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने हाई टेम्परेचर में बल्ब का रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर 535 ओम्स तक पहुंच जाता है। चलिए अब इस सर्किट में एक और बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज से मतलब है कि सर्किट में करंट के लिए केवल एक ही पाथ होगा। अब इस सीरीज सर्किट को स्विच ऑन करते हैं। आप नोटिस करोगे कि दोनों बल्ब की रोशनी अब पहले से कम हो गई है। एक मल्टीमीटर से दोनों बल्ब में वोल्टेज और करंट को भी मेजर कर लेते हैं। बल्ब B2 को 116 वोल्ट मिला है। और बल्ब B1 को भी इतना ही वोल्टेज मिला है, जबकि दोनों बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 232 वोल्ट है। चलिए अब सर्किट में करंट मेजर करते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीमीटर में करंट की रीडिंग 0.3 एम्पियर है। ओम्स लॉ का यूज करके इस सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, जो कि लगभग 773 ओम्स आ रहा है। अब हम तीन बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आप नोटिस करोगे कि तीनों बल्ब की रोशनी अब पहले से भी कम हो गई है। मल्टीमीटर हमें तीनों बल्ब में 77 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहा है। और तीनों बल्ब के अक्रॉस 233 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहा है। एमीटर से हमें 0.238 एम्पियर की रीडिंग मिल रही है। ओम्स लॉ से इस सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस 979 ओम्स आ रहा है। फाइनली अब हम चार बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आप नोटिस करोगे कि चारों बल्ब की रोशनी अब पहले से और भी कम हो गई है।
और सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 233 वोल्ट है। अब मल्टीमीटर की रीडिंग V1, V2, V3 और V4 बल्ब में 58 वोल्ट, 59 वोल्ट, 56 वोल्ट और 58 वोल्ट आ रही है। करंट की रीडिंग 0.206 एम्पियर है। ओम्स लॉ से सर्किट का रेजिस्टेंस 1131 ओम्स आ रहा है। अब चार बल्ब वाले सीरीज सर्किट में हम एक फ्यूज्ड बल्ब को लगा के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, एक भी बल्ब नहीं जल रहा है। एक फ्यूज्ड बल्ब सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता। दीपावली में हम जो सजावटी लाइट यूज करते हैं वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं। इसीलिए अगर इनमें से एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो हमें पूरी लड़ी को चेक करना होता है, क्योंकि कोई भी बल्ब नहीं जलता है। लास्ट एक्टिविटी में हम डिफरेंट सीरीज सर्किट में बल्ब के ग्लो को कंपेयर करेंगे, जब सर्किट में 1, 2, 3 और 4 बल्ब होते हैं। आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे हम सीरीज में बल्ब को ऐड करते जाएंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और बल्ब का ग्लो कम होता जाएगा। इन सब एक्टिविटीज से सीरीज सर्किट के बारे में ये 5 कंक्लूजन निकलते हैं। नंबर 1, सीरीज सर्किट में अलग अलग डिवाइस का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, जिसे हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, हर एक डिवाइस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का सम बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। नंबर 3, सीरीज सर्किट में जुड़े हुए हर एक डिवाइस में सेम करंट फ्लो होता है। नंबर 4, सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सब डिवाइसेस के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। नंबर 5, अगर सीरीज सर्किट में कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और कोई भी डिवाइस काम नहीं करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। लर्न एंड हैव फन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।